इस वक्त टी चौक में शदीद शैलिंग हुई है और बोला नहीं जा रहा, सांस नहीं ली जा रही। इस दफ़ा एहतजाज में हमने पहली बार देखा है कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर शैलिंग की है। पहले पुलिस मुजाहिरीन पर शैलिंग करती थी, लेकिन इस बार आप देखें कि ये मुजाहिरीन पुलिस पर शैलिंग कर रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान इकरामुल्लो जोई और मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफिले हैं वो यहां पर आखिरकार अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त डी चौक में कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो कामयाबी के साथ यहां पर मौजूद है। बड़ी रुकावटें अबूर की, बड़ी मुश्किलात जो हैं वो बर्दाश्त करने के बाद जो है वो कारकुनान जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कारकुनान जो है वो इस वक्त बड़ी जो है वो मुश्किल सिचुएशन के बाद डी चौक जहां पर एहतजाज की कॉल दी गई थी वहां पहुंचे। अब डी चौक जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन मुजाहिरीन से यहां पर भरा हुआ है जिन्होंने यहां पर पहुंचा था और अपने लीडर की जो रिहाई है तब तक यहां पर एहतजाज जारी रखेंगे। अब यहां पर जो मुजाहिरीन पहुंचे हैं फाइनल डेस्टिनेशन पर जो पहुंचे हैं उनसे भी बात करेंगे, कहाँ से आए हैं, कितनी तकलीफें और मुश्किल जो है उन्होंने उठाई हैं और क्या पोजिशन थी उसके बारे में सबसे बात भी करेंगे। इस वक्त मैं सबसे पहले आपको सूरत हाल दिखाता हूं डी चौक की। ये डी चौक है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन पहुंचा था और अभी पहुंच चुके हैं और ये डी चौक का एरिया है, वहां भी सामने कंटेनर लगाए गए और दूसरी जानब ये कंटेनर्स हैं और कंटेनर्स के ऊपर जहां पर कपड़ा लगाया गया था उस कपड़े को नीचे जो है उतार लिया गया है और उसके ऊपर अब बैठे हुए हैं कारकुनान मुजाहिरीन जो है वो अब इस कपड़े के ऊपर ग्रीन कपड़ा जो है उसके ऊपर अब ये बैठे हुए हैं और मुकम्मल तौर पर जो है वो डी चौक पर पहुंचने की जो कॉल दी गई थी उसको इस वक्त कारकुनान ने कर लिया। और इस वक्त आप देखिए कंटेनर्स के ऊपर जो है वो पहले हमने देखा था कि यहाँ पर जो पुलिस है और इसके अलावा जो रेंजर्स थी वो तैनात थी और वो बैठे हुए थे और उन्होंने संभाला हुआ था। अब उनका जो चार्ज है वो खत्म हुआ और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन का है। अब हम आगे चलते हैं, इस वक्त जो पेशरफ्त हो रही है वो आप अपडेटेड पेशरफ्त जो है वो दिखाते हैं। इस वक्त कारकुनान जो है वो कंटेनर के ऊपर है और कंटेनर्स को हटाने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और इस वक्त आप देखिए कि ये कारकुनान सारे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के एक एक कंटेनर को जो है वो हटाएंगे और उठा के जो है वो फेंकेंगे। इस वक्त ये कारकुनान जो है बैठे हुए हैं और अब दोबारा से शेलिंग शुरू हो गई है। अब देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो है वो दोबारा शेलिंग शुरू हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जो है वो शेल इस वक्त दोबारा बरसाने का अमल जो है वो डी चौक में शुरू हो चुका है और डी चौक में जो है वो शेल जो है वो बरसाए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो यहाँ पर आप देखें शेल पहुंच गया। इस वक्त शदीद शैलिंग हो रही है और फायरिंग जो है वो हो रही है और बड़ा मुश्किल है आपसे बात करना क्योंकि आंखों से देखा नहीं जा रहा और सांस नहीं ली जा रही। इस वक्त शदीद शैलिंग जो है वो हो रही है। अच्छा।
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो दोबारा वापस डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले कारकुनान वापस गए थे, शदीद शैलिंग हुई थी, थोड़ी देर के लिए जो है वो रास्ता जो है वो जो है वो खाली कर लिया गया था और कारकुनान जो है वो वापस चले गए थे। अब दोबारा से पेशरफ जो है वो शुरू हो चुकी है और बढ़ना शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं। हम भी अब बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं और आगे जा के डी चौक की दोबारा ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल है कि कारकुनान जो हैं वो दोबारा डी चौक की तरफ जा रहे हैं। डी चौक से पुलिस और जो रेंजर्स थी जो तैनात किए गए थे वो इस वक्त वापस जो है वो जा चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इस वक्त डी चौक में दोबारा जो है वो पहुंच चुके हैं और जो डी चौक है उसको दोबारा इन्होंने संभाल लिया है। अभी दोबारा आगे चलते हैं और जो सूरत हाल लाइव है आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे आए तो घर से पूरी तैयारी से आए कि हमने मरना है, उसके लिए ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे हम ना पीछे हटेंगे। जितनी गोलियां मार सकते हो मारो, आप हमारे भाइयों हमारे सीने आगे आप लोगों के लिए, जितने शेल मार सकते हो मारो, शहबाज शरीफ के लिए मारो, इन कमीनों के लिए। ऊपर ऊपर फेंको उठा के जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। Yeah.